22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज उपस्थित होंगे उनमें से एक है जाने माने अभिनेता विवेक ओबेरॉय, जो अब यहां से अयोध्या की फ्लाइट पकड़ रहे हैं और वहां पर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहां पर एयरपोर्ट पर। किस तरह की खुशी है, आपको भी इनवाइट आया है, बहुत चंद लोगों को ये खुशनसीबी हासिल हो रही है कि वो वहां मौजूद होकर राम मंदिर के उद्घाटन देख सके। मुझे लगता है आज सिर्फ मैं नहीं, भारत के पूरे विश्व के करोड़ों लोग बहुत खुशनसीब है कि रामलला वापस आ रहे हैं 500 साल के संघर्ष के बाद, क्योंकि ये वही रामलला हैं जो हमें अपने जीवन के निजी जीवन के संघर्ष में हमेशा शक्ति देते हैं, हर जंग जीतने के लिए ऊर्जा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आज हम सब ने, सभी भक्तों ने, राम में आस्था रखने वाले लोगों ने एक बहुत बड़ी जंग जीती है और इसके लिए कई लोग हैं जो जिनका शुक्रगुजार हूँ मैं और हम सबको होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम तक हमें नहीं पता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है इस लड़ाई के लिए, और आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत उनके लिए हुई है। तो आज वहाँ हम अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए तो लल्ला से प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्माओं के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और नतमस्तक होकर नमन कर रहे हैं उनको। जाहिर है आपकी खुशी हम समझ सकते हैं। बहुत बड़ी तैयारी की गई है अयोध्या में, अभूतपूर्व ढंग से तैयारियां की जा रही हैं, सज गई है अयोध्या नगरी। किस तरह का माहौल होगा वहां पर, क्या कुछ होने वाला है, अगर कुछ आपको अंदाजा है और अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि किस तरह का वातावरण, एक ऊर्जामयी वातावरण होगा वहाँ पर? देखिए, जैसे आपने कहा, अभूतपूर्व तैयारी हुई है वहाँ पर और बहुत ही अल्प समय में हुई है। जो वादे किए थे भक्तों से कि इसी जन्म में, इसी कार्यकाल में देखेंगे, हमारे तो जन्म की भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे जन्म में होगा, तो बच्चे थे जब ये विवाद पहली बार हमने सुना और ऐसा लगा कि हम जा पाएंगे, मंदिर कभी यहाँ बनेगा, होगा ये, लेकिन सत्य करके दिखा दिया। आज जा रहे हैं वहाँ पर, मैंने सुना है कि हालांकि बहुत बड़ा वेव आया है भक्तों का वहाँ पर, फिर भी वहाँ पे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हैं, प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और मैं खुद जाकर अभी देखूंगा। अगर राम भक्ति की बात की जाए तो राम में कितनी आपकी आस्था है, इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप? आई थिंक बचपन से ही है, छोटे थे तब दादी के मुख से पहली बार सोते सोते राम भगवान की कहानियां सुनते थे, मेरे लिए तो हीरो थे मेरे राम, और उनसे सीखते हुए राम भगवान एक ऐसा किरदार है जहाँ पे हम उनसे कहानी के तौर पर भी, जब 5 साल के हैं तो अलग बात सीखते हैं उनकी कहानी से, रामायण से, 10 साल के होते हैं तो अलग सीखते हैं, 20 साल के होते हैं तो अलग कुछ नया सीखते हैं, 40 साल के होते हैं, पिता बनते हैं तो अलग कुछ सीखते हैं, तो इतनी सारी बातें सीखने को मिलती है और आपके जीवन के हर स्टेज पर आप भगवान राम की कहानी रामायण से इतना कुछ सीखने को मिलता है, वो कमाल का मार्गदर्शन है उस कहानी में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, रामलला की मूर्ति हाल ही में जो श्याम रंग की मूर्ति थी उसकी एक झलक सामने आई थी, आपको कैसा लगा, कैसी लगी वो झलक, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत खूबसूरत, और मुझे लगता है कि मूर्ति तो है ही खूबसूरत, लेकिन भक्तों की आस्था का जब उन्माड़ होगा पूरा मूर्ति के ऊपर छलकेगा, वो आस्था जब छलकेगी, लोगों का आंखों से प्यार जब छलकेगा, तो मूर्ति और खूबसूरत होते जाएगी। चलिए, विपिन से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता विवेक ओबेरॉय, जो बता रहे थे कि कितनी खुशी है उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर शामिल होने को लेकर और किस तरह का एक ऊर्जामयी वातावरण वहां पर देखने को मिलेगा। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी माझा।
उघडा डोळे बघा नीट।